ये कहानी जेनिफर नाम की एक बहुत ही खूबसूरत लड़की के ऊपर आधारित है, जो लड़कों को हर वक्त अपना सब कुछ देने के लिए तैयार रहती है। लेकिन इसके बदले में वो उनसे क्या क्या लेती है, ये हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। आज मैं जिस फिल्म को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है जेनिफर्स बॉडी, और ये फिल्म 2009 में रिलीज हुई थी। कहानी शुरू होती है और हम नीडी नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो कि एक पागल खाने में कैद होती है। तभी उसके पास उस पागल खाने की नर्स आती है और उसे खाना खाने के लिए पूछने लगती है, पर तभी नीडी उस नर्स के पिछवाड़े पर एक जोर से लात मारती है और उसको दूर फेंक देती है। उसी समय वहाँ पर दो सिक्योरिटी गार्ड आते हैं और नीडी को उठाकर एक सेल में बंद कर देते हैं। अब यहाँ पर नीडी हम व्यूअर्स को बताने लगती है कि मैं भी कभी नॉर्मल हुआ करती थी। इसके बाद कहानी सीधा फ्लैशबैक में जाती है और हम एक टाउन को देखते हैं जिसका नाम होता है डेविल्स कैटल। दरअसल इस टाउन का नाम वहाँ पर एक झरने की वजह से पड़ा था, जिसका पानी एक बड़े से गड्ढे में जाता था, और उस गड्ढे का पानी कहाँ जाता था ये किसी को भी नहीं पता। वहाँ पर बहुत सारे साइंटिस्ट उसमें अलग अलग चीजें डालकर पता लगाने की कोशिश करते थे कि वो चीजें कहाँ पर जाती हैं, पर कोई भी इस बारे में पता नहीं लगा पाता। अगले सीन में हम जेनिफर नाम की एक खूबसूरत लड़की को देखते हैं, जो कि कॉलेज की हेड चीयरलीडर होती है। जेनिफर अपने कॉलेज की सबसे सुंदर और कॉन्फिडेंट लड़की थी। और वहीं हम जेनिफर की बेस्ट फ्रेंड नीडी को भी देखते हैं, जो कि जेनिफर से बिल्कुल ही उल्टी थी। लेकिन वो दोनों बेस्ट फ्रेंड थे और अपना ज्यादातर टाइम साथ ही स्पेंड करते थे। नीडी का एक बॉयफ्रेंड भी था जिसका नाम होता है निर्मल निरोध, पर नीडी अपने बॉयफ्रेंड से ज्यादा अपना टाइम जेनिफर के साथ ही स्पेंड किया करती थी। फिर एक रात नीडी और निर्मल निरोध साथ में घचागच मचाने का प्लान बनाते हैं। फिर निर्मल निरोध नीडी की सुरंग की खुदाई शुरू ही करने वाला होता है कि तभी अचानक वहाँ पर कबाब में हड्डी जेनिफर आ जाती है और वो नीडी को उसके साथ एक क्लब में चलने के लिए बोलती है। अब ये देखकर निर्मल निरोध सोचता है कि आज रात तो उसे हाथ गाड़ी से ही काम चलाना पड़ेगा। फिर कुछ देर बाद वो दोनों क्लब आ जाती हैं, जहाँ पर जेनिफर उस क्लब के बहुत सारे मुस्टंडों से मिलती है। अब ये सब देखकर हम व्यूवर्स को भी पता चल जाता है कि इन मुस्टंडों ने मिलकर जेनिफर की तितली का चमगादड़ बना दिया है। फिर जेनिफर की मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम होता है टोनी कक्कड़, और वो उस क्लब में एक बैंड चलाता है। फिर जेनिफर टोनी कक्कड़ से बातें करती है और उसे ड्रिंक के लिए पूछती है, जिस पर टोनी कक्कड़ भी उसे हाँ बोल देता है। फिर जैसे ही जेनिफर ड्रिंक्स लेने के लिए जाती है, तभी पीछे से टोनी कक्कड़ अपने दोस्तों से जेनिफर की लेने के बारे में बात करने लगता है। वहीं टोनी कक्कड़ की सारी बातें नीडी सुन लेती है, और फिर नीडी भागकर जेनिफर के पास आती है और उसे बोलती है कि टोनी कक्कड़ भड़वा है और तुम उसे अपनी प्यारी तितली मत देना। पर जेनिफर नीडी की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती और वो टोनी कक्कड़ का परफॉर्मेंस देखने के लिए चली जाती है। अब उसकी परफॉर्मेंस शुरू होने के कुछ टाइम बाद ही उस क्लब में आग लग जाती है और चारों तरफ भगदड़ मच जाती है। सभी लोग वहाँ से बाहर निकलने के लिए भाग रहे होते हैं और इस भगदड़ में बहुत सारे लोग कुचले भी जाते हैं। फिर नीडी जेनिफर को अपने साथ वॉशरूम में ले जाती है और वो दोनों वॉशरूम की खिड़की खोलकर वहाँ से बाहर निकल जाती हैं। बाहर निकलते ही नीडी देखती है कि वो क्लब पूरी तरह जल चुका है और उसके अंदर लोग बाहर निकलने के लिए जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। तभी वहाँ पर टोनी कक्कड़ आ जाता है और वो जेनिफर को अपने साथ चलने के लिए बोलता है। नीडी उसे जाने के लिए मना कर देती है, पर जेनिफर टोनी कक्कड़ के साथ जाने के लिए राजी हो जाती है, और फिर वो टोनी कक्कड़ की वैन में बैठकर वहाँ से चली जाती है। पर नीडी को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि जेनिफर कुछ अनजान चूतियों के साथ चली गई है। फिर घर पर नीडी को जेनिफर की बहुत चिंता होने लगती है, इसलिए नीडी अपने बॉयफ्रेंड निर्मल निरोध को फोन लगाती है और उसे सारी बातें बता देती है। नीडी बहुत ज्यादा घबराई हुई थी कि वो लोग जेनिफर के साथ कुछ करना दें। तभी नीडी के दरवाजे पर कोई नॉक करता है और नीडी देखने के लिए नीचे चली जाती है। फिर वो जैसे ही दरवाजा खोलती है तो वो देखती है कि वहाँ पर कोई नहीं होता। फिर वो दरवाजा बंद करके वहाँ से जाने ही लगती है कि तभी उसको नीचे के रूम से किसी की आवाज आने लगती है। फिर नीडी उस रूम के अंदर जाती है तो वो देखती है कि वहाँ पर जेनिफर खड़ी है और उसके पूरे शरीर पर खून लगा हुआ है। इसके बाद जेनिफर नीडी का फ्रिज खोलती है और उसमें से कच्चा मांस निकालकर खाने लगती है। अब नीडी जेनिफर को देखकर बहुत डर जाती है और उससे बात करने की कोशिश करती है, पर जेनिफर वहाँ पर काफी डरावनी आवाजें निकालने लगती है और फिर वो अपने मुंह से कोई काला लिक्विड निकालकर वहाँ से चली जाती है। फिर अगली सुबह कॉलेज में नीडी जेनिफर और कल रात के बारे में सोच ही रही होती है कि तभी वहाँ पर जेनिफर आ जाती है, जो बिल्कुल ठीक लग रही थी। अब नीडी जेनिफर से कल रात के बारे में बात करने लगती है, पर तभी वहाँ पर प्रोफेसर चूतड़मल आ जाते हैं और पिछली रात क्लब में मरे हुए लोगों के बारे में बात करने लगते हैं। वहीं जेनिफर प्रोफेसर चूतड़मल की बातें सुनकर हंसने लगती है, जो कि नीडी को काफी अजीब लग रहा था। दूसरी तरफ हम स्कूल की फुटबॉल टीम के कैप्टन झुंझुनू को देखते हैं, जो कि ग्राउंड में अकेला खड़ा होता है। झुंझुनू अपने मरे हुए दोस्तों के बारे में सोचकर बहुत दुखी होता है, पर तभी उसके पास जेनिफर आती है और उसको बोलती है कि मैं भी बहुत दुखी हूँ, प्लीज मेरा दुख दूर करो, और ऐसा बोलकर वो झुंझुनू का हाथ अपने संतरों पर रख देती है। अब इससे झुंझुनू का छोटा झुंझुनू वाइब्रेट करने लगता है
और फिर वो दोनों घचागच मचाने के लिए जंगल में चले जाते हैं। वहाँ जाते ही वो दोनों चुम्मा चाटी करना शुरू कर देते हैं, पर कुछ ही देर में जंगल के सारे जानवर वहाँ पर आ जाते हैं और उन लोगों को चुम्मा चाटी करते हुए देखने लगते हैं। झुंझुनू को ये देखकर काफी अजीब लग रहा था, पर तभी वो जेनिफर को देखता है जिसका मुंह अचानक किसी जानवर की तरह खुलकर बड़ा हो जाता है और फिर वो झुंझुनू को मार डालती है। वहीं झुंझुनू की चीख सुनकर प्रोफेसर चूतड़मल वहां पर आता है और वहां पर झुंझुनू को मरा हुआ देखकर उसकी फटकर 64 हो जाती है। इसके बाद वो पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है और पुलिस वहां पर खूनी का पता लगाने में लग जाती है। दूसरी तरफ नीडी और जेनिफर फोन पर बात कर रही होती हैं और नीडी जेनिफर को बताती है कि मैं इस टाउन में हो रही इन घटनाओं से बहुत परेशान हो चुकी हूँ, पर वहीं जेनिफर को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो बातें करते हुए एक लाइटर से अपनी जीप को जला देती है। पर तभी हम देखते हैं कि उसकी जीप कुछ ही सेकंड में वापस नॉर्मल हो जाती है, जिसको देखकर हम व्यूवर्स को पता चलता है कि जेनिफर के साथ कुछ तो अजीब हो रहा है। अगले दिन कॉलेज में तैमूर नाम का एक स्टूडेंट जेनिफर के पास आता है और उसको साथ में डेट पर चलने के लिए पूछता है। वहीं जेनिफर भी तैमूर को हाँ बोल देती है और उसे आज रात को अपने घर पर बुलाती है और कहती है कि मैं अपना पता तुमको मैसेज कर दूंगी। फिर रात को जब तैमूर उस एड्रेस पर पहुंचता है तो वो देखता है कि वो बिल्डिंग पूरी तरह सुनसान है और वहां पर बहुत अंधेरा है। तभी जेनिफर वहां पर आती है और तैमूर के पास आकर उसे किस करने लगती है। इसी दौरान तैमूर नोटिस करता है कि जेनिफर की आंखों का कलर चेंज हो रहा है। अब ये देखकर तैमूर डर जाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है, पर उसी वक्त जेनिफर तैमूर पर हमला कर देती है और उसे मारकर खा जाती है। दूसरी तरफ हम नीडी को देखते हैं जो कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ पलंग तोड़ रही होती है, लेकिन तभी वहां पर उसको जेनिफर दिखाई देती है जिसको देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है और उठकर वहां से चली जाती है। नीडी कार ड्राइव करके अपने घर जा रही होती है, पर तभी रास्ते में उसे जेनिफर दिखाई देती है जो उसके कार के ऊपर जंप करती है। अभी सब देखकर नीडी की भी फटकर 64 हो जाती है और वो घर आकर रोने लगती है। इसके बाद वो जैसे ही अपने रूम में जाती है तो वो देखती है कि जेनिफर वहीं पर है। फिर जेनिफर नीडी के पास आती है और उसे रिझाने की कोशिश करने लगती है। फिर वो दोनों चुम्मा चाटी करना शुरू कर देते हैं, पर नीडी को दो सुरंगों को आपस में रगड़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वो जेनिफर को आगे का प्रोसेस करने से रोक देती है। वहीं ये सब देखकर हम व्यूवर्स का भी मूड खराब हो जाता है क्योंकि मेन काम तो रुक ही गया था। इसके बाद जेनिफर नीडी को उस रात के बारे में बताती है जिस रात क्लब में आग लगी थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस रात टोनी कक्कड़ जेनिफर को उसी झरने के पास लेकर गया था और वहाँ पर टोनी कक्कड़ और उसका बैंड सक्सेस पाने के लिए शैतान को जेनिफर की बलि देने वाले थे। फिर वहाँ पर टोनी कक्कड़ जेनिफर से पूछता है कि क्या तुम सील पैक हो। अब जेनिफर काफी डरी हुई थी इसलिए वो झूठ बोल देती है कि हाँ मैं सील पैक हूँ। इसके बाद टोनी कक्कड़ जेनिफर के पेट में चाकू मार देता है और उसे उस झरने में फेंक देता है। अब टोनी कक्कड़ ने तो अपना रिचुअल कंप्लीट कर लिया था और अब उसे लग रहा था कि उसका बैंड फेमस हो जाएगा, लेकिन उसके प्रोसेस में एक कमी थी और वो था जेनिफर का सील पैक ना होना, जिस वजह से जेनिफर वापस जिंदा हो जाती है और उसमें इवल पावर्स आ जाती हैं। अब ये बताते हुए जेनिफर अपने हाथ में कट लगाती है जो तुरंत वापस नॉर्मल हो जाता है। अब ये सब देखकर नीडी काफी डर जाती है और वो जेनिफर को वहां से जाने के लिए बोलती है और फिर जेनिफर भी उसके घर की विंडो से कूदकर वहां से चली जाती है। फिर अगले दिन नीडी जेनिफर के साथ जो कुछ हो रहा था उसके बारे में पता लगाने लाइब्रेरी जाती है और वहां पर कुछ बुक्स पढ़ने के बाद नीडी को ये पता चलता है कि टोनी कक्कड़ और उसके बैंड ने जेनिफर को सील पैक समझकर उसकी बलि दे दी थी, पर वहीं जेनिफर की बॉडी पर डेविल ने कब्जा कर लिया जिस वजह से उसके अंदर डेविल की पावर्स आ गई हैं। यहाँ पर नीडी को ये भी पता चलता है कि अगर जेनिफर को सुंदर रहना है तो उसे इंसानों को मारकर खाते रहना होगा और जेनिफर को मारने का एक ही तरीका है, उसके दिल पर वार करना। अब नीडी को ये डर लगने लगता है कि कहीं जेनिफर उसके बॉयफ्रेंड निर्मल निरोध को भी ना मार डाले, इसलिए नीडी निर्मल निरोध के पास जाती है और उससे ब्रेकअप कर लेती है। साथ ही वो उसे ये भी बताती है कि जेनिफर अब एक डेविल बन चुकी है, पर इस पर निर्मल निरोध उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता और वहां से चला जाता है। उसी रात स्कूल में एक डांस पार्टी होती है और सभी लोग उस पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। तभी नीडी भी सबसे पहले उस पार्टी में पहुंच जाती है और वहां पर निर्मल निरोध का इंतजार करने लगती है। दूसरी तरफ निर्मल निरोध पैदल ही अपने घर से उस पार्टी में जा रहा होता है, तभी रास्ते में उसे जेनिफर मिलती है और उसे नीडी के बारे में बताने लगती है। जेनिफर उसे बताती है कि स्कूल टाइम में नीडी के मौत के कुएं में बहुत सारे लड़कों ने अपनी बाइक चलाई है। अभी सभी बातें सुनकर निर्मल निरोध काफी सैड हो जाता है, पर तभी जेनिफर उसे रिझाने लगती है और उसके साथ घचागच करने के लिए उसे लेकर एक सुनसान जगह पर आ जाती है। वहीं पार्टी में नीडी को ऐसा एहसास होने लगता है कि शायद जेनिफर उसके बॉयफ्रेंड के साथ कुछ बुरा करने वाली है, इसलिए वो परेशान होकर निर्मल निरोध को ढूंढने के लिए पार्टी से बाहर आ जाती है। दूसरी तरफ जेनिफर निर्मल के साथ घचागच करने की कोशिश करती है, पर तभी निर्मल उसे बताता है कि वो अभी भी नीडी से बहुत प्यार करता है। अब इस बात से गुस्सा होकर जेनिफर निर्मल को पानी में गिरा देती है और उसको मारने के लिए उसके पास आने लगती है।
पर तभी वहाँ पर नीडी आ जाती है और अब जेनिफर उन दोनों को ही मारने की कोशिश करती है। फिर लड़ाई के दौरान निर्मल निरोध की वहीं मौत हो जाती है और जेनिफर वहाँ से भाग जाती है। अब नीडी को निर्मल निरोध की मौत से बहुत दुख होता है और अगले ही सीन में नीडी जेनिफर के घर पर जाकर उस पर हमला कर देती है। वहाँ उन दोनों में काफी लड़ाई होती है जिस दौरान जेनिफर नीडी के कंधे पर काट लेती है, जिसके बाद नीडी जेनिफर के दिल पर वार करती है और उसे मार डालती है। फिर कुछ देर बाद जेनिफर की मॉम वहाँ पर आती है और वो नीडी को जेनिफर को मारते हुए देख लेती है। अब जेनिफर के खून के इल्जाम में नीडी को एक मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है। अब यहाँ से फिल्म वापस प्रेजेंट में आती है और हम देखते हैं कि जब लड़ाई के दौरान जेनिफर ने नीडी के कंधे पर काटा था तभी नीडी के अंदर भी वो सारी शैतानी शक्तियाँ आ गई थी। इसके बाद नीडी उस जेल को तोड़कर वहाँ से बाहर आ जाती है और वहाँ से सीधा उस झरने के पास जाती है जहाँ पर जेनिफर की बलि दी गई थी। अब फिल्म के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि टोनी कक्कड़ और उसका बैंड काफी फेमस हो गया है, पर कुछ ही दिनों के अंदर उसके बैंड के सभी लोग मारे जाते हैं और सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि नीडी ने ही जेनिफर का बदला लेने के लिए उनको मार डाला है। और फिर इसी के साथ ही ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।